शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे हरियाणा की आज की टॉप खबरों की। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, जो कि मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा में सुबह और शाम के समय में जो ठंड पड़नी शुरू हो गई है, और ऐसे में नमी के बढ़ने के साथ साथ वातावरण में स्मॉग की चादर भी बिछ गई है, और इसके साथ ही स्मॉग के कारणों से काफ़ी जो समस्याएँ भी फैल रही हैं, जिसमें कि आँखों में जलन होना और साथ ही में जो सांस लेने में तकलीफ होना और गले में खराश होने जैसे जो समस्याएं आ रही हैं। और इसी के साथ ही अगर प्रदेश के न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 15 डिग्री के आसपास जो दर्ज किया गया है, और इसी के साथ अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 32 से 34 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। और हरियाणा का जो हिसार जिला है वो प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का स्तर है वो हिसार में दर्ज किया गया है, और ऐसे में अगर AQI की बात की जाए तो जो हिसार का AQI है वो 500 से भी ऊपर दर्ज किया गया है। और वहीं इसके साथ अगर जींद के AQI की बात करूँ तो वो 400 के आसपास दर्ज किया गया है। और इसी के साथ जो इन दोनों शहरों के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर जो पराली जलाने के केस हैं वो भी सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। और वहीं जो AQI बढ़ने की बात है, प्रदूषण का स्तर ज़्यादा होता जा रहा है, इसकी एक और वजह भी है, जिसमें कि हिसार की जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं और साथ ही वाहनों का जो जाम लगा हुआ है, और वहीं पर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी जो है प्रदूषण को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं प्रदेश के 20 शहर ऐसे हैं जहाँ का AQI है वो 300 से ज़्यादा दर्ज किया गया है। और ऐसे में अगर वातावरण में प्रदूषण की बात करें तो जो पराली जलाने के केस लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में रविवार को जो 19 नए केस किसानों पर पराली जलाने के कारण दर्ज किए गए हैं, और इनका जो आंकड़ा है केस का वो कुल जो अभी तक जितने केस दर्ज किए गए हैं कुल केस 857 जो दर्ज किए गए हैं। और वहीं पर शुक्रवार की अगर बात की जाए तो जो पराली जलाने के 35 नए केस शुक्रवार को मिले थे। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि HSSC द्वारा जल्द ही जो CET की परीक्षा करवाई जा सकती है। ऐसे में जो तैयारियां CET करवाने के लिए HSSC द्वारा शुरू कर दी गई हैं, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और इसमें आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो इसमें फार्म भरने से लेकर और कब ये जो परीक्षा करवाई जाएगी पूरी जानकारी दी जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि राज्य के काफ़ी सारे युवा ऐसे हैं जो CET परीक्षा न देने या फिर CET क्वालिफाई न कर पाने के कारण जो HSSC द्वारा भर्तियां निकाली जाती हैं या फिर जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में HSSC द्वारा निकाले जाने वाली जो भर्तियां हैं उनमें शामिल होने के लिए जो युवा पीछे CET से वंचित रह गए थे या फिर किसी कारण से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे तो वो इस CET एग्ज़ाम के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जल्द ही अभी जो CET के लिए नोटिफिकेशन HSSC द्वारा जारी होने वाला है, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 10 नवंबर से जो ये फार्म भरने शुरू हो जाएंगे, और इसी के साथ ही जो परीक्षा है वो दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी की शुरुआत में होने की संभावना बताई जा रही है। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश के 27 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें कि 10 जिलों के DC भी शामिल हैं। और इसमें इसी के साथ आपको बता दें कि 5 दिन पहले प्रदेश के IPS अधिकारियों का भी तबादला किया गया है, जिसमें कि एक साथ ही 36 अधिकारियों का जो तबादला
कर दिया गया है। और इसमें महिला यौन शोषण के केस में जो नाम शामिल था एसपी का, उनको जो पद से हटा दिया गया है और उनके स्थान पर जो नई नियुक्ति की गई है उसमें राजेश कुमार को एसपी यानी कि जींद का नया एसपी घोषित किया गया है। और इसी के साथ 23 इंस्पेक्टरों को डीसी पद पर प्रमोट भी किया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो हरियाणा के कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी के आदेश पर जो उनके ओएसडी नियुक्त किए गए हैं, और किनको नियुक्त किया गया है वो भी बता देते हैं। 2023 के बैच की शीतल और हनी बंसल को नियुक्त किया गया है, और साथ ही जो पहले तैनात थे राधिका सिंह और शिवजीत भारती को रिलीव कर दिया गया है। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कि सभी 22 जिलों में मासिक बैठकों के लिए सरकार ने एक ग्रीवेंस कमेटी बना दी है, जिसमें कि कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी अनुराग हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कि सभी प्रदेश के जो भी 22 जिले हैं सभी में मासिक बैठकों के लिए सरकार ने ग्रीवेंस कमेटियां बना दी हैं। इसको लेकर कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि इसके अनुसार गुरुग्राम में शिकायतें सुनेंगे, यानी कि इस कमेटी के अनुसार जो निर्णय लिया गया है इसमें जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो गुरुग्राम में समस्याएं सुनेंगे, और इनके अलावा परिवहन मंत्री अनिल विज की बात करें तो वो सिरसा और साथ में कैथल की जो समस्याएं सुनेंगे, और इनके अलावा अगर आगे बढ़े तो कृष्ण लाल पंवार हिसार और रोहतक में अपनी सेवाएं देंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो राव नरबीर सिंह नू और फरीदाबाद में जो समस्याएं सुनेंगे, महिपाल ढांडा भिवानी और जींद में समस्याएं सुनेंगे, विपुल गोयल रेवाड़ी और पंचकुला में अपनी सेवाएं देंगे, और वहीं पर अरविंद शर्मा महेंद्रगढ़ में, श्याम सिंह राणा की अगर बात करें तो वो चरखी दादरी की समस्याएं सुनेंगे और साथ ही झज्जर की भी समस्याएं सुनेंगे, रणबीर गंगवा करनाल और अंबाला में अपनी सेवाएं देंगे, श्रुति चौधरी फतेहाबाद की समस्याएं सुनेंगी, और वहीं पर आरती राव जो कि पलवल में अपनी सेवाएं देंगी, राजेश नागर कुरुक्षेत्र की समस्याएँ सुनेंगे, गौरव गौतम सोनीपत की जो समस्याएँ सुनेंगे।